एवरीवन, आई एम ज़रक्शा ज़ेब और आप देख रहे हैं ज़रक क्रिएशन माय यूट्यूब चैनल। थंबनेल देखकर आपको पता चली होगा कि आज आप किस टाइप का ग्लास वन सीखने वाले। वीडियो एंड तक जरूर देख करें और लाइक कमेंट जरूर किया करें। चलिए आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने करना कि आपने पिक्सल लैब को ओपन करना है और यहाँ पर आपने नेम टाइप कर देना। कोई भी आप नेम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर जीरो नेम टाइप कर दिया है। अब आपने ए बी वाले ऑप्शन में आ जाना है। ए बी वाले ऑप्शन में आने के बाद आपने यहाँ पर लगा लेना है फोन। कोई भी आप फोन लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। सिंपली आपने इसकी पैटर्न कर लेनी है, लेफ्ट पैटर्न राइट पैटर्न। आपने इसका साइज इंक्रीज कर लेना है। साइज इंक्रीज करने के बाद आपने सिंपली करना कि आपने यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आपने इम्पोर्ट करना है पी एन जी। जितने पी एन जी मैं यूज़ करूँगा उसकी फाइल बनाकर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर पी एन जी एड मैंने कर दिया। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों को तरीका बताया कि आपने इसका बैकग्राउंड किस तरह से अरेंज करना होता है। आपने यहाँ पर आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आपने इस पर क्लिक कर देना है और ये टेक लगा देनी है, ठीक है, और टॉलरेंस फॉलो कर देनी है। और यहाँ पर आपने कलर में आना है, ठीक है। कलर में आने के बाद आपने यहाँ पर वाइट कर लेना है इसको, ठीक है। और यहाँ पर आपने इसको एडजस्टमेंट कर लेना है। जितने पी एन जी मैं यूज़ करूँगा तरीका मेथड यही है, आप मतलब इस तरह से लगा सकते हैं। मैं सारे जल्दी जल्दी में ऐड कर लेता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पर पी एन जी मैंने ऐड कर लिए, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने वहाँ से डाउनलोड कर देना। आपने इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करके आपने यहाँ पर कार्ड में आना है, सेव एज इमेज पर क्लिक आपने करनी है। सेव एज इमेज पर क्लिक करने के बाद आपने इसको अल्ट्रा में करके इसको सेव टू गैलरी कर लेना है, ठीक है, अल्ट्रा सेव टू गैलरी। अब आपने सिंपली पी एस टच ऐप में चले जाना है। तो फ्रेंड यहाँ पर पी एस टच में मैंने पिक भी ऐड कर ली और नेम भी ऐड कर लिया। आपने करना कि आपने डुप्लीकेट कॉपी कर लेनी है, ठीक है। डुप्लीकेट कॉपी करने के बाद आपने फर्स्ट प्लेयर को सिलेक्ट करना है, एफ एक्स में जाना है और यहाँ पर आपने सिंपली फ्रेंड लाइट में आ जाना है, ठीक है। लाइट में आने के बाद आपने एरो को पकड़कर ऊपर ले जाना है, इसको फुल ब्लैक कर देना है। अब आपने करना कि आपने इसको सिंपली स्क्रीन कर देना है। बिल्कुल आसान स्टेप्स हैं। वीडियो एंड तक जरूर फॉलो किए करें और लाइक मुझे जरूर किए करें। और ये नेम बनाकर आप अगर मुझे रिटर्न अपने चेक कराना चाहते हैं, मुझे लिंक डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का, वहाँ पर आप मुझे भेज सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मुझे आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो इसका ब्लर 5 रखूँगा और जो डिस्टेंस है 8 पे रखूँगा, ठीक है। ओके कर देना है। आपने इसका ब्लेंड मोड यहाँ से फ्रेंड सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। अब आपने आ जाना है थर्ड वाली लेयर में। आपने एफ एक्स में चले जाना है। एफ एक्स में जाने के बाद आपने करना है कि आपने बेवल में आ जाना है, ठीक है। बेवल में आने के बाद आपने कलर ब्लैक कर देना है और इसका जो ब्लार है ना ये इंक्रीज़ कर देना है और जो डिस्टेंस है ये भी इंक्रीज़ कर लेनी है, ठीक है। ब्लार आपने थोड़ा सा और इंक्रीज़ करना है ताकि ये वाइट रहे। अब आपने करना है कि पिक को थोड़ा सा जूम करना है। आपने यहाँ पर आ जाना है सेकेंड लेयर में, ठीक है। सेकेंड लेयर में आने के बाद आपने किसी भी जगह पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ठीक है, तो आपने इधर आ जाना है। इधर आने के बाद आपने यहाँ पर आना है फेल एंड स्ट्रोक में, इस वाले ऑप्शन में। इधर आने के बाद आपने करना क्या, कलर यहाँ से आपने रेड रख लेना है और क्लिक फेल पे होनी चाहिए। तो ये देखें रेड हो गया, ठीक है। आपने इस तरह कर लेना है। बाकी आपने यहाँ पर क्लिक कर देनी है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने ऊपर वाली लेयर में आ जाना है, फर्स्ट वाली लेयर में। अब आपने यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद आपने करना क्या, आपने फेल एंड स्ट्रोक में आना है। स्ट्रोक में आने के बाद आपने यहाँ पर नोइज लगाना है और कलर आपने वाइट कर लेना है, ठीक है। कलर वाइट करने से नोइज लग गया इसका, ठीक है। आपने फल्टी पर रखना है, ठीक है। इस तरह आप सारे वर्ड में कलर भी कर सकते हैं और नोइज भी लगा सकते हैं। सारे वर्ड में आपने इस टाइप का कर लेना है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, फर्स्ट लेयर की फ्रेंड जो है ना इफेक्ट्स में आना है, फर्स्ट लेयर में आना है और ग्लो लगानी है। अभी कॉपी इसकी नहीं करनी है, ठीक है। 0.6 रखना है और इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी करनी है। शेडो वाले की भी एक कर देनी है कॉपी और लास्ट लेयर की भी एक कॉपी कर देनी है। यहाँ पर आपने आना है और इसकी भी एक कॉपी कर लेनी है। कॉपी कर दी। अब आपने इसका ब्लेंड मोड फ्रेंड यहाँ से ओवर ले कर देना, इसके नीचे लेकर आ जाना है, ठीक है। आपने इस डन पर क्लिक करके इसको सिंपली सेव कर लेना है। शेयर पर क्लिक कर सेव टू गैलरी कर लेना है, पहले पिक पे फिर ओके कर देना है। तो ये सेव है फ्रेंड। आज का हमारा बात यही था। ट्यूटोरियल अगर वीडियो पसंद है लाइक मैंने शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।